कहने को तो देसी है, लेकिन ब्यूटी देखिए सफ़ेद रंग में कितना सुंदर लगता है। लोग पता नहीं क्यों इसे लगाना पसंद नहीं करते, जबकि इतना लो मेंटेनेंस प्लांट है। आपको पता है जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनके लिए तो ये रामबाण है। इसका जो देसी पर्पल होता है वो भी और ये भी, फिर भी पता नहीं क्यों लोग इसको कम जगह देते हैं अपने गार्डन में। बट इसकी अगर आपको मेडिसिनल वैल्यूज पता लग जाएंगी तो डेफिनेटली आप इसको अपने गार्डन में ग्रो करेंगे। मेरे पास इसके काफ़ी सारे कलर इकट्ठे हो गए हैं, मतलब ये तो देसी है, इसके हाईब्रिड के कई सारे कलर हैं। आज मैं आपके साथ कुछ एक ख़ास चीज़ शेयर कर रही हूँ। शाम हो गई है और मेरा सुबह और शाम को दोनों टाइम गार्डन में रहता है, जो भी काम मुझे करने होते हैं। आज मैं एक चीज़ लेकर आई हूँ और वो मैं क्यों शेयर कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का मेरे से सवाल होता है कि मैम हम लोग कम मेंबर हैं घर में, हमारे पास किचन वेस्ट नहीं होता है। तो देखिए, अगर आप घर से बाहर निकलेंगे ना, आपको बहुत सारी जगह ऐसी मिल जाएंगी जहाँ पर आपको भर भर के वेस्ट मिल जाएगा, क्योंकि लोग तो फेंकने के लिए बैठे हुए हैं। बट हाँ, वो कचरा ऐसा है जो कि आपके पौधों का एक परफेक्ट भोजन बन सकता है, शानदार भोजन बन सकता है। मैं अभी एक हमारी सोसाइटी की जस्ट बाहर एक ढाबा है, वहाँ से प्याज के छिलके लेकर आई थी, वो एक अलग से खाद बनाने के लिए रख दिया है। और आज घर के बाहर जाना हुआ, वैसे तो मैं जाती नहीं हूँ, बहुत कम जाती हूँ, बट जब भी जाती हूँ तो कोशिश करती हूँ। आज सब्जी वाले भैया गोभी के छिलके हटा रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा इनका क्या करोगे, तो उन्होंने कहा मैडम जी फेंक देंगे। मैंने कहा भैया थोड़ा बहुत मुझे दे दो भर के। तो उनके पास जितना बड़ा पॉलीथिन था, उन्होंने ये गोभी के पत्ते मुझे दे दिए हैं। ये आई थिंक शायद फूल गोभी या पत्ता गोभी के तो नहीं हैं, ये फूल गोभी के पत्ते हैं। मैं इनको ले आई हूँ, क्या करने वाली हूँ कुछ नहीं, बस मैं इनको छोटा छोटा चॉप करूँगी। चॉप करने के बाद मैं जो भी अपने अभी भी आने वाले सीज़न के लिए अपने कंपोस्ट बिन ग्रो बैग्स भर रही हूँ, उनके अंदर सूखी पत्तियों के साथ मिला मिला के जो नीचे वाली लेयर होती है उसमें भर दूँगी। आपको पता है या नहीं, गोभी के पत्तों में भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है। अगर हम डेली सर्दियों में गोभी का एक पत्ता खाते हैं तो हमें कैल्शियम का कोई सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। तो मैंने गोभी इसीलिए उगाना पसंद करती हूँ। हालांकि मेरे यहाँ बहुत बड़े बड़े गोभी के फूल नहीं आ पाते क्योंकि ग्रो बैग में मेरे इतनी मिट्टी नहीं रहती है, बट हाँ मुझे उनके पत्ते खाने को मिल जाते हैं, वही सफिशेंट है। और उसकी सब्ज़ी भी, आपको पता है गोभी के पत्तों की सब्ज़ी भी बहुत अच्छी बनती है, बनाकर देखिए बिल्कुल गोभी जैसी ही बनती है। तो मैं गोभी इसीलिए उगा रही हूँ, और ये जो है एक फ्री का भोजन है मेरे पौधों के लिए, जो कि आप देखते हैं पौधों की हेल्थ कितनी अच्छी रहती है। तो अगर आपके घर में वेस्ट नहीं निकलता है तो आप घर के बाहर जाइए, आपको जो सब्ज़ी वाले भैया हैं वो अपना सारा का सारा उठा के दे देंगे, ईजीली मिल जाएगा। सब्जी मंडी नहीं जा पाते हैं तो आपकी सोसाइटी में कोई सब्जी वाला होता हो या मदर डेयरी आसपास होती हो, वहाँ काफ़ी सारा वेस्ट ऐसा है जो कि वो लोग फेंक रहे होते हैं, और हमारा भरपूर मात्रा में पौधों का भोजन बन जाता है अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लें तो। करके ज़रूर देखिएगा और फिर उगेंगी आपके यहाँ बहुत ही शानदार सब्जियाँ, बहुत ही कम बजट में। ज़रूर ट्राई करके देखिएगा।